हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की रैली में सोनीपत राजेश कुमार नामक शख्स ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। खुद को आग लगाने के बाद युवक भीड़ के बीच भागने लगा, जिसके कारण दो अन्य लोगों के भी घायल होने की रिपोर्ट आई है। राजेश को रोहतक के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार राजेश ने यह कदम अपने बच्चों की बेरोजगारी की चिंता में आकर उठाया। राजेश ने अस्पताल में मीडिया को बताया कि इसी संदर्भ में वह खट्टर से कुछ दिनों पहले हरियाणा भवन में मिल चुका है। उसने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ने उसे आश्वासन दिया था कि ग्रुप डी पोस्ट में उसके बच्चों की भर्ती करवा दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस वजह से यह कदम उठाया। राजधानी लखनऊ में भी मंगलवार को वीरेंद्र नामक के युवक ने विधानसभा के सामने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग के हवाले कर लिया। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने युवक को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब तक वह बुरी तरह से झुलस गया। घायल युवक को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। 18 के अनुसार वीरेंद्र ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वर्ष 2005-06 में वो मथुरा में शटरिंग का काम करता था। इस दौरान निर्माण निगम से 25 लाख का भुगतान न होने के कारण उसने आत्मदाह का प्रयास किया। वीरेंद्र ने निर्माण निगम के अधिकारी बीके प्रभाकर, अनिल प्रभाकर और बीके गर्ग पर भुगतान न करने का आरोप लगाया है। उसके अनुसार 15 साल तक निर्माण निगम के दफ्तर का चक्कर लगाने के बाद भी उसे भुगतान नहीं मिला। MNTV ब्यूरो। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।